हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर डॉट कॉम पर। तो आज हम मस्ट डू सिलेबस से चैप्टर नंबर 9 को करेंगे, जो मैडम राइड्स द बस किसके द्वारा लिखा गया है, वल्लिकनन। इसके राइटर कौन है? वल्लिकनन है। तो मैडम राइड्स द बस चैप्टर नंबर 9 को हम आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वली इज़ एन 8-year-old विलेज गर्ल। जो वली होती है वह 8 साल की एक लड़की होती है जो गांव में रहती है। सी हैड नो प्लेमेट्स। उसका कोई मित्र नहीं होता, फ्रेंड नहीं होते। सी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस। वह अपना अधिकतर समय अपने घर के दरवाजे में खड़ी होकर वहाँ पर बाहर की चीज़ों को, वस्तुओं को देखते हुए स्पेंड करती है। ए बस रन बिटवीन वालीज विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। एक बस होती है जो उसके गांव में आती है, वो उसके नियरेस्ट टाउन से जाती है और फिर वापस आती है। इट पास थ्रो वालीज स्ट्रीट आफ्टर एवरी हावर्स। यह जो बस है प्रत्येक घंटे में उसकी गली से गुजरती है। ए स्ट्रॉन्ग डिजायर क्रैप्ट इन हर माइंड। एक अच्छी यानी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर उसके माइंड में आती है। She wanted to have a ride in the bus. वह भी बस में यात्रा करना चाहती है। वली started making her plan. वली अपना प्लान बनाना शुरू कर देती है बस में यात्रा करने के बारे में। For many days and months. बहुत से दिन बीत गए और महीने बीत गए। She collected all the information. उसने बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया है जर्नी के बारे में। वली कम टू नाउ। अब वली जानती है दैट कि द बस टुक 45 मिनट्स टू रीच द टाउन। जो बस होती है वह 45 मिनट लेती है टाउन में पहुंचने के लिए। एंड कॉस्टेड 30 पैसे पर साइड। और एक साइड का जो खर्च होता है वो 30 पैसे होता है। वली सेव्ड एवरी पेनी फॉर द जर्नी। वली होती है जो अपने प्रत्येक सिक्के को इकट्ठा करती है, कलेक्ट करती है उस यात्रा करने के लिए। द बस स्टार्टेड। जो बस है वो शुरू हो जाती है यानी कि चल पड़ती है। एंड वली इन्जॉय ऑल द साइट। और वली होती है जो सभी दृश्यों का आनंद लेती है। एंड एल्डर वोमैन टोल्ड हर टू सीट। एक जो ओल्ड वोमैन होती है वो उसकी सीट पर बैठ जाती है। एंड द सीट बट वली डिड नॉट लाइक दिस। लेकिन इस तरह से बैठना मतलब वो जो लेडीज़ होती है वो पूछती है कि क्या वो सीट पर बैठ सकती है, लेकिन वली उसको लाइक नहीं करती, वो मना मतलब कह देती है मर्जी है आपकी। तो सडनली ए यंग काउ कम रनिंग राइट इन फ्रंट द बस। और इस तरह से अचानक एक गाय होती है जो बस के आगे दौड़ रही होती है। वली क्लैप्ड हर हैंड विद जॉय। वली आनंद के साथ, खुशी के साथ अपने हाथों से क्लैपिंग करती है। When the bus reaches the town, जब बस कस्बे में पहुंच जाती है, शहर में पहुंच जाती है, the conductor offer to buy a drink for वली। जो कंडक्टर होता है वो एक ड्रिंक ऑफर करता है वली के लिए। बट सी रिफ्यूज फाइनली। परंतु वह उसको मना कर देती है। ऑन हर रिटर्न जर्नी। अपनी पूरी यात्रा में सी सा द सेम यंग काउ। जब उसने अपने एक पहले आते टाइम जब वो यंग काउ देखी थी लेइंग डेड ऑन द रोड साइड। वह आते टाइम जब वो देखती है तो वो गाय रोड के एक साइड पर मरी हुई दिखाई देती है। सी बिकम सैड। इस तरह से वो देखकर, ये दृश्य देखकर वली है जो सैड हो जाती है। एंड रिमेनिंग ग्लू टू हर सीट। और अपने सीट पर चिपकी रहती है ऑल थ्रो द रिमेनिंग जर्नी। पूरी जर्नी के दौरान, पूरी यात्रा के दौरान जो वली है वो अपनी सीट पर चिपक कर बैठ जाती है। उसको जो गाय का दृश्य है वो उदास कर देता है। अब इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हु वाज वली। वली कौन थी? तो इसका आंसर ये है, वली वाज एन 8-year-old गर्ल हु वाज वेरी क्यूरियस। अब पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, हु वाज वली। वली कौन थी? वली वाज एन 8-year-old गर्ल। वली जो 8 साल की लड़की थी। हु वाज वेरी क्यूरियस। वह बहुत ही जिज्ञासु थी। अब नंबर
टू क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज वली'ज़ फेवरेट पास टाइम। वली का जो टाइम स्पेंड करने का सबसे अच्छा और सबसे पसंदीदा टाइम कौन सा था। वली'ज़ फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस। वली का जो पास टाइम करने का फेवरेट टाइम था, वह अपने दरवाजे पर के सामने खड़ी होकर देखती रहती थी, अपने घर के दरवाजे के सामने। एंड टू वॉच पीपल आउटसाइड, और वह लोगों को आते हुए देखती थी, जाते हुए देखती थी, जो बाहर लोग उसकी गली में आ जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वॉज वली स्ट्रोंगेस्ट डिज़ायर। वली की जो स्ट्रोंगेस्ट यानी कि जो मजबूत इच्छाएं थी वो क्या थी। वली स्ट्रोंगेस्ट डिज़ायर वॉज टू राइड ऑन द बस। उसकी डिज़ायर थी कि वो बस में यात्रा करना चाहती थी। दैट गोज़ टू टाउन एंड कम बैक, इस तरह से वह शहर में जाती है और वापस आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिटेल्स वली फाउंड आउट अबाउट द बस जर्नी। जो वली ने कितनी और किस तरह से जो जर्नी के बारे में जो डिटेल है वो इकट्ठी की थी, तो इसका आंसर क्या है। वली टॉक टू पीपल्स, वली ने लोगों से बातचीत की। एंड फाउंड दैट, और उनसे पाया कि द टाउन वॉज 6 मील फ्रॉम हर विलेज। जो टाउन है यानी कि शहर है वो गांव से 6 मील दूर है। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और एक साइड का जो 30 पैसा लगता है। टू ट्रिप टुक 45 मिनट, और पूरे ट्रिप में 45 मिनट ही लगती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड। वली ने किस तरह ऐसे प्लान बनाया बस में यात्रा करने का, तो इसका आंसर है वली सेव्ड मनी फॉर द फेयर। वली ने बहुत से पैसे इकट्ठे किए अपने किराए के लिए। सी टॉक टू पीपल्स, और लोगों से बातचीत की। एंड कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी, और बहुत सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उस यात्रा के बारे में, बस की यात्रा के बारे में। सी प्लानड टू गो बाई 1 PM, उसने प्लान किया कि वह 1 बजे घर से निकलेगी बस एंड कम बैक होम बाई 2:45 PM, यानी कि वह 2:45 पर बस वापस आ जाएगी। व्हेन हर मदर यूज़ टू स्लीप, जब उसकी मम्मी है जो वो सो रही होगी। तो इस तरह से खाली जो टाइम होता था उसकी मम्मी का, उस समय उसने अपनी जो प्लानिंग बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाई डिड द कंडक्टर कॉल वली मैडम। जो वली है, जो उसको कंडक्टर ने मैडम क्यों कहा था। तो वली वॉज जस्ट 8 ईयर ओल्ड, बट शी वॉज बिहेवियंग लाइक एन अडल्ट। जो वली थी वह 8 साल की थी, लेकिन वो किस तरह का व्यवहार करती थी जैसे कि वो बड़ी लड़की है। सी वॉज ए क्यूरियस, वह बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति की लड़की थी। एंड मैच्योर गर्ल्स, और बहुत ही समझदार लड़की थी। सी वॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस, वह अपने ऊपर बहुत विश्वास रखती थी। सी वॉन्टेड टू फुलफिल हर ड्रीम, वह अपने जो उसने ड्रीम देखे थे, जो सपने देखे थे, उनको पूरा करना चाहती थी। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने इस मैडम राइज द बस की चैप्टर को पढ़ना है, कंप्लीट करना है, और आपने इसको अपनी कॉपी में लिखना है, क्योंकि मस्ट डू सिलेबस है, बहुत ज़रूरी है। तो आप इनको याद कर सकते हैं और ये आपके एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से जो मस्ट डू सिलेबस है वो उन स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जो किसी कारणवश पहले नहीं पढ़ पाए पूरे चैप्टर को, वो नहीं पढ़ पाए हैं क्वेश्चन आंसर उसने पूरे चैप्टर के नहीं किए हैं। तो वो अगर वो स्टूडेंट इस तरह के जो स्टूडेंट हैं वो इन मस्ट डू सिलेबस को अगर कर लेते हैं तो वो एग्ज़ाम में पास होने के लायक हो जाते हैं, और हो सकता है कि एग्ज़ाम में क्या पता एज इट इज़ आ जाए। तो आप उसको और भी अच्छे से याद कर लें ताकि इसमें कोई कमी ना रहे। तो इस तरह से स्टूडेंट ये जो मस्ट डू सिलेबस है आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इसको अच्छे से आप लर्न कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आगे अगर आपने और कुछ इसके बारे में जानना है तो आप चैप्टर की फुल वीडियो देख सकते हैं, मैंने बनाई हुई है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो स्टूडेंट अगर आपको ये पोस्ट है, जो ये जो वीडियो है, अगर अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज़।